हे गाइस, दिस इज अंतिम एंड वेलकम टू अंतु फैशन। आप सब कैसे हो? हम सब बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं मास्क लगा के और रेडी हूँ कहीं जाने को। मास्क की आदत मेरी छुट्टी नहीं, एक्चुअली कोरोना चला गया नहीं था, आया था पता नहीं, बट मुझे मास्क की हैबिट ऐसी हो गई कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ आई स्वेयर मैं बिना मास्क के नहीं जा सकती। तो चलिए, ये तो मास्क की बात, लेकिन मतलब मैं क्या बोल रही थी, अभी मैं जा रही हूँ एग्जीबिशन, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। तो लेट्स सी, मैं अभी मतलब श्योर नहीं हूँ, बट जैसा उस वक्त ट्रेड फेयर के लिए कहा था वैसे ही लगा होगा, तो आपसे शेयर करेंगे कैसा एक्सपीरियंस है, लगा कि शूट करने लायक है, आप परमिशन हुई तो शूट करेंगे, अदरवाइज घर आके आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हुआ है 8 बजे हैं, गरबा टाइम चल रहा है, तो गरबा भी चल रहा है वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आके आपसे। तो गाइज, हम लोग निकल गए हैं और ये वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप बाहर निकलो, मतलब थोड़ा सा ठंड जब आती है दिवाली के आसपास, तो प्लीजेंट सा वेदर होता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बाहर निकलने में। अदरवाइज गर्मी में तो बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगता है। अभी सब जगह नवरात्रे, आरती और फेस्टिवल के लिए मार्केट में भी चकाचौंध होती है, तो थोड़ी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्स कह लो, इसलिए भी आती हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे सीधा फेयर में। तो गाइस, वैसे हम पहुंच तो गए, पर मुझे लगता है कि ये गरबा हो रहा है, नॉट एग्जीबिशन ऑफ फेयर। लेट्स सी, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। गरबा यहाँ होता है भास्कर का अभिव्यक्ति, 3 दिन के लिए गरबे नाइट्स होती हैं यहाँ डांडिया। देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली ये वही मैदान है जहाँ मैं आपको ट्रेड फेयर के लिए लाई थी, यही लगता है, यही दशहरा मेला भी लगता है, सारे प्रोग्राम यही होते हैं, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। डांडिया नाइट्स तो ऑफकोर्स है, पर रश भी बहुत है। देखिए पार्किंग, देखते जाइए आप। और डांडिया के लिए इतनी जबरदस्त भीड़ थी, आप देखिए रश, टू मच। तो गाइस, हमने पार्किंग की, अंदर गए, बट यहाँ पे सिर्फ दैनिक भास्कर अभिव्यक्ति गरबा है जो 3 दिन होता है। इतना रश है क्योंकि मुझे लगता है 4 साल बाद ये हो रहा है, तो सब ने अपने घर बार छोड़ के सब ये यहाँ रखे हैं। ट्रस्ट में बहुत रश है, टिकट काउंटर पे इतनी भयंकर कि आपको निकलने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो हम वापस आ गए, मुझे तो रश में वैसे ही जी घबराता है मेरा, पर बहुत ज़्यादा है। और कोई भी ना मतलब ऐसा इंतजाम नहीं है, भगदड़ भी मच जाए तो यहाँ पे फिर बस कांड हो जाने वाला सीन, इतना रश है। 20 करोड़ पे गाड़ी खड़ी की है सर। अब देखिए आप, पार्किंग मैं कह रही हूँ मतलब चीटी की तरह पब्लिक है यहाँ पे। तो फिर फाइनली साइड से एंट्री थी, हमें मिल गया दीपावली आनंदोत्सव के नाम से ये लगा था, लेकिन ये फर्स्ट डे था, पर रिद्धिमा को वो बोला था, मुझे तो पता भी नहीं था किसी ने, तो उसने कहा था मम्मा एग्जीबिशन लगाया, पर ये फर्स्ट डे था। वेल, कोई बात नहीं, तो झूले वूले लगे थे, आपको पता ही है किसी भी फेयर में एग्जीबिशन में झूले और ये तो मस्ट होते हैं, इसके बिना लगता ही नहीं है। इतनी मैं बड़ी खुश हो गई, वरना वो गाड़ी में उदास हो गई थी कि अरे यार कुछ भी नहीं लग रहा, और आप डांडिया नहीं ले जा रही, इतनी भीड़ थी। ट्रस्ट में डांडिया में मुझे ना डर लगता है, और कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं थे एक्चुअली सिक्योरिटी के, मतलब अगर गलती से भगदड़ मच जाए भीड़ में कोई भी, ट्रस्ट में क्या हो सकता है, मैं सोच कर भी घबराती हूँ, तो मैं वहाँ नहीं रुकती हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो मैं अपने बच्चे के साथ, मैं तो हैंडल कर लेती लेकिन अपने बच्चे के साथ मैं नहीं जाती, और आपसे भी यही कहूँगी। तो चलिए अब एग्जीबिशन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की वुडन वगैरह की शॉप लगी थी, एंटीक शोपीस वगैरह लगे हुए थे, लग ही रहे थे। मैं एक दिन फिर से जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी अगर होगा तो, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे था, मुझे पता नहीं था, तो आधी शॉप्स तो लगी नहीं थी, कुछ वुडन के इस तरीके के मतलब थे। अगर आप जयपुर से हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपको चाहिएगा तो मैं एड्रेस आप मुझे कमेंट करना, मैं मेंशन कर दूँगी कहाँ लगा एग्जैक्टली, अदरवाइज़ तो आपको पता है एड्रेस मेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे पति देव और बिटिया हमेशा आगे आगे चलते रहते हैं। उसके बाद ये वॉल वाला था, नंबरिंग वाला एक गेम, वो मैंने खेला था कि नंबर दिए थे, सारी बॉल डालो, अगर एडिशन के बाद वो नंबर आता है तो आपको प्राइज मिलता है, बट मैं सच बोलूँ वो मुझे लगता है कि बहुत कम लगे लोगों का बनता है, पर खैर थोड़ा इन्जॉय कर लिया, टाइम पास किया, जब गए हैं तो कुछ तो कर ही लेते हैं। बाकी खाने पीने का था, तो यहाँ से एग्जीबिशन से मैं कम खाती हूँ, इतना ऑयली स्मेल आ रही थी, अगेन अगेन ऑयल को फ्राई करना, ये एक बहुत बड़ा
ह्यूज बोलो तो प्लास्टिक का वो लगा था। मेरे को प्लास्टिक चाहिए नहीं होता है, बट यस विजिट करने में तो कुछ भी नहीं जाता, जब आप गए हो तो देखने में इस तरीके भी चीज़ें थी। इसमें नॉन स्टिक मार्बल लकड़ी का भी कुछ कुछ था, पर 90% जो था वो प्लास्टिक मटेरियल था। इस तरीके की डेकोरेटिव प्लेट्स थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या मिठाई देने के लिए अभी दीपावली के टाइम, तो वो सब भी थे। मेरे हस्बैंड को लगा ये कप सेरेमिक है बट प्लास्टिक था, उन्होंने कहा बड़ा सुंदर, पर जब हाथ में लिया तो पता चला ये भी प्लास्टिक था। उसके बाद सामने आए तो इस तरीके की एक दो स्टॉल लगी थी और इसी के साइड में दो अचार की और उसकी स्टॉल लगी थी और बाकी झूले थे। तो बहुत 10 दुकानें भी नहीं लगी थी, तो अगेन जाऊंगी क्योंकि आज तो बिल्कुल। तो गाइस हम आगे अपने वापस अपने घर जा रहे हैं, उससे पहले एक दिन आपसे पहले शेयर किया था वहाँ डोसा खाएंगे और फिर घर जाएंगे, पर अब व्हाट अबाउट फेयर, तो फेयर में कुछ भी नहीं था क्योंकि आज जो है वो लग ही रहा था, तो इस वजह से वहाँ कुछ भी नहीं था। एक्चुअली लाइट जला ली मैंने, तो इसलिए हम तो ठीक है थोड़ा सा घूम लिए कोई बात नहीं और वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ था नहीं, जो था वो आपको दिखा दिया मैंने वीडियो में। तो बाहर आए तो पेट पूजा तो करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे, तो पेट पूजा करके घर जाएंगे, बस यही था। अभी एक दिन देखते हैं, हम दोबारा भी दीदी बाकी 10 days की वैकेशन हो गई है, दशहरा की छुट्टी होती केवी वालों की, तो इसी वजह से तो कुछ हुआ अपडेट हुई तो फिर जरूर करेंगे, जाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर डोसा एंड इडली। आज मैं दूसरी जगह आई हूँ, वहाँ बंद मिला था, तो काफ़ी रश है। अन्ना डोसा है खड़ी मार्केट मानसरोवर में, वहाँ के लिए। और ये मैडम तो थक गई है, देखो पीछे सीट पे सो रही है, इनके काफ़ी भीड़ रहती है तो उसी के लिए इंतज़ार हो रहा है। नेक्स्ट सी कब आएगा हमारा डोसा इडली। फाइनली डोसा आ गया है आफ्टर सो लॉन्ग। और आपने देखा होगा कि जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ डोसा ही खाती हूँ, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मील है साउथ इंडियन फूड। तो चलिए अब इन्जॉय करते हैं इसको। तो गाइस फिर हम आ गए थे घर और बहुत लेट हो गया था, आपको पता है, तो घर पे आके खाना बनाने का टाइम नहीं था, तो हम आते वक्त ही पैक करवा के लाए थे शाही पनीर एंड मलाई कोफ्ता, क्योंकि मलाई कोफ्ता मेरा बहुत फेवरेट है और शाही पनीर जो है मेरे पति देव और रिद्धिमा का। साथ में लाए थे तंदूरी रोटी, क्योंकि देखो यार मैं तो आजकल जब भी बाहर जाऊँ मुझे ऐसा लगता है बस मुझ में जान ही नहीं है, तो और वैसे भी आजकल नहीं खा रही हूँ मैं, 1-1.5 महीने से बाहर का खाना कम खा रही हूँ, आपने देखा होगा। तो फिर हम ले आए थे कि भाई अब जाके खाना नहीं बन सकता है, इतना घूम फिर के आए, और इसलिए ले के आए थे हम। मैं ना मतलब वैसे तो आपको सच्ची बोलूँ तो 10:30 बजे थे जब हमने वहाँ पे डोसे खाए थे, लेकिन हमारा लेट नाइट सोने का रूटीन है, लेट नाइट खाने का रूटीन है, तो हमने सोचा अगर भूख लगेगी तो ये बहुत लेट रात को 1 बजे हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारा रूटीन थोड़ा ऐसा है। तो कल से हैं रिद्धिमा की छुट्टियाँ, आपको तो पता ही है, तब वो रहेगी घर और थोड़ी डीप क्लीनिंग वैसे तो आधी हो गई है, आधी बची है, तो वो भी होगी। तो अब ब्लॉग्स आते रहेंगे, देखती हूँ कब शुरू करती हूँ। जैसा आप सबको पता आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही लास्ट 1-1.5 महीने से, तो डिपेंड्स, लेकिन नवमी के बाद दशहरा के बाद ही करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी, क्योंकि नवमी पे भी काम होता है, कन्या पूजक है, कंजक है, उसके बाद सारा करेंगे। तो चलिए हम खाना इंजॉय करते हैं और आपसे मिलूँगी मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।